everyone, welcome to Englidium and thanks for joining me. So what will you read today? Today we'll read a wonderful chapter, The Model Millionaire by Oscar Wilde. Okay, so chalo start karte hain. Okay, so each time I say something and I don't know that how much you are paying attention to it, but the fact is that whenever you are about to read a story or a poem, read something about the author or the poet. देखो यहाँ पे ये जो है ना अबाउट द ऑथर इसको पढ़ना बहुत जरूरी है लेकिन हम क्या करते हैं हम इसको पढ़ते नहीं है दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड लेकिन हम इसको पढ़ते नहीं है दैट इज द प्रॉब्लम वी हैव सो ऑस्कर वाइल्ड ही वाज बोर्न इन द ईयर 1854 एंड डाइड 1900 वाज एन आयरिश पोएट एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेराइट्स इन लंडन इन द अर्ली 1890s ही इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज विटिसिज्म्स एंड क्लेवर यूज ऑफ लैंग्वेज तो ये जो स्टोरी है द मॉडल मिलियनियर इट्स अ वंडरफुल वन सो लेट्स स्टार्ट अनलेस वन इज वेल्दी देयर इज नो यूज इन बीइंग अ चार्मिंग फेलो अगर पैसा नहीं है तो हैंडसम होने का या चार्मिंग होने का कोई मतलब नहीं रोमांस इज द प्रिविलेज ऑफ द रिच नॉट द प्रोफेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयड अगर रोमांस करना है इफ यू वॉन्ट टू फॉल इन लव यू हैव टू बी रिच Before that. Okay, that is very important. Be rich and then be romantic. The poor should be practical and prosaic. Jo gareeb log jo hai, they should be practical and prosaic. They should just, you know, look into the everyday affairs. They think about the everyday affairs. They must not be romantic. They should not be romantic. It is better to have a permanent income than to be fascinating. Dekho, good looking hona toh zaruri hai, lekin उससे भी ज्यादा जरूरी है टू हैव अ परमानेंट इनकम पॉकेट में पैसा है ना तो ठीक है दीज आर द ग्रेट ट्रूथ्स ऑफ मॉडर्न लाइफ व्हिच ह्यूई एस कीन नेवर रियलाइज्ड ये ह्यूई एस कीन जो है दिस इज द ही इज द प्रोटैगोनिस्ट द सेंट्रल कैरेक्टर द हीरो ऑफ दिस स्टोरी द मॉडल मिलियनेयर ये ह्यूई एस कीन ही इज वेरी हैंडसम वेरी गुड लुकिंग लेकिन जैसे ऑस्कर वाइल्ड ने बोला कि उसके पास पैसा नहीं था एंड वन थिंग आई मस्ट टेल यू ये जो प्रोनाउंसिएशन है ना देखो बहुत सारे ऐसे टीचर्स लोग होते हैं ये प्रोनाउंसिएशन सभी सही है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें अगर कोई इसको ह्यूजी बोलेंगे कोई इसको हागी बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो ह्यूई ह्यूई एस कीन ओके क्योंकि जब तुम स्पेलिंग लिखोगे ना तो इसको तो एच यू जी एच आई ऐसे ही लिखोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर कोई हम हागी बोलेंगे या ह्यूजी बोलेंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन जो है यह ह्यूई एस कीन द हीरो ऑफ दिस चैप्टर द मॉडल मिलियनेयर पुअर ह्यूई इंटेलेक्चुअली वी मस्ट एडमिट ही वॉज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस देखो ये एडमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता था और ये कोई नेचुरल है बिकॉज ही वॉज अनएम्प्लॉयड वो कुछ कमाता नहीं था He never said a brilliant or even an ill-natured thing in his life. कभी कुछ अच्छा नहीं बोला, कभी कुछ खराब कुछ नहीं बोला. But then he was wonderfully good-looking. लेकिन वो जो advantage था, वो ये advantage था उसका कि वो बहुत good-looking था. With his crisp brown hair, his clear-cut profile, and his grey eyes. ये appearance है, and this is very important. Many questions can come from here about the appearance or MCQ में भी कि उसका जो बाल था, it was crispy. And his clear-cut profile and his grey eyes. Okay? He was as popular with men as he was with women. He was popular among the men also and women also. And he had every accomplishment except that of making money. Usme jo accomplishment jo hai, jiska hum khubiya bolte hain. Okay, he had some type of all sorts of things. He was jovial, he was good-looking. Okay? He was cooperative. But the fact was that उसके पास पैसा नहीं था His father had bequeathed him his cavalry sword and a history of the peninsula war in 15 volumes. उसके पास अगर कोई विरासत में कुछ था तो the cavalry sword जो पापा ने दिया था वो लोग जैसे घोड़सवार जो होते हैं वो जैसे तरवार लेकर जो लड़ाई करते हैं तो उसका बोलते हैं cavalry sword. और क्या था peninsula war की जो बुक्स है उसका 15 volumes. Hughie hung the first over his looking glass, put the second on a shelf between Ruff's Guide and Bailey's Magazine. कुछ books में से वो जो volumes था Peninsular War का वो रख दिया था और जो sword था जो तरवाल था वो mirror के पास looking glass के पास था. He had tried everything. He had gone on the stock exchange for 6 months. वो
सब कुछ करने का कोशिश किया था. ही हैड गन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर 6 months. वो स्टॉक एक्सचेंज में गया था 6 महीने के लिए. बट वॉट वॉज अ बटरफ्लाई टू डू अमंग बुल्स एंड बियर्स. लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में वो क्या करता, ही वॉज जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई. एंड बुल्स एंड बियर्स का मतलब है, दीज आर द साइंस, द सिंबल्स, द लोगोज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. बुल्स का मतलब है जब स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉफिट होता है, और बियर्स का मतलब है जब वो लोग घाटे में चलते हैं. He had been a tea merchant for little longer, but had soon tired of Peko and Sochong. Peko and Sochong, ये tea leaves है, और वो tea business का भी थोड़ा कोशिश किया था, लेकिन उसमें भी failure. Then he had tried selling dry sherry. फिर उसने ठीक किया कि चलो भाई हम dry sherry जो है ये wine है, तो इसको हम sell करेंगे. That did not answer. The sherry was a little too dry. लेकिन वो उसका वो बिजनेस भी, द शेरी वॉज अ लिटिल टू ड्राई का मतलब है उसके लिए वो ज्यादा ड्राई हो गया था. इसका ये ड्राई का मतलब सूखा नहीं है, इसका मतलब है वो वाइन का बिजनेस भी नहीं चला. दैट डिड नॉट आंसर. ओके, अल्टीमेटली ही बिकेम नथिंग. तो लास्ट में क्या हुआ, वो कुछ भी नहीं बन पाया. अ डिलाइटफुल इनएफेक्चुअल यंग मैन विथ अ परफेक्ट प्रोफाइल एंड नो प्रोफेशन. वो हसमुख थे, ही वॉज बट इनएफेक्चुअल, बेकार थे, और उसके साथ साथ वो यंग मैन विद अ परफेक्ट प्रोफाइल एंड नो प्रोफेशन. उसका कोई प्रोफेशन नहीं था, जो था वो था उसका लुक्स. टू मेक मैटर्स वर्स, ही वॉज इन लव. तो फिर क्या मुसीबत जो है ना, तो वो फिर क्या किया उसने, ह्यूई ने, ही वॉज इन लव. द गर्ल ही लव्ड वॉज लॉरा मार्टन. And जिसको वो प्यार करता था, the lady, the girl was Laura Merton. She was so beautiful. The daughter of a retired colonel who had lost his temper and his digestion in India. एक retired colonel के बेटी थी, but the fact is that the colonel, he lost his temper and digestion, both ही. जब colonel वो India में थे, तो he lost his digestion power and at the same time his temper also. And had never found either of them again. और वो temper भी वापस नहीं आया और digestion भी. Laura adored him and he was ready to kiss her two strings. देखो, Laura also liked Hughie. And Hughie at the same time, he was ready to kiss the two strings of Laura. इसका मतलब है दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे. They were the handsomest couple in London. London में जितने सारे couples थे, they were the handsomest. Okay, the most good looking. And had not a penny piece between them. लेकिन पैसा नहीं था. The colonel was very fond of Hughie. और colonel भी ठीक है, चलो, as I told you that Hughie was extremely good looking. तो उसका जो हम जो बोलते हैं ना, पहले दर्शनधारी पीछे गुण बिचारी, तो ये हो गया Hughie के लिए. तो colonel भी, he was very fond of Hughie, लेकिन colonel ने एक condition दिया. But would not hear of any engagement. लेकिन वो तैयार नहीं थे सुनने के लिए ये marriage के बारे में, engagement के बारे में उनके बेटी के साथ. क्यों? Come to me, my boy, when you have got 10,000 pounds of your own. Bachcha, koi baat nahi hai. Okay, I will give the hands of my daughter to yours. But the fact is that before that, you have to earn 10,000 pound. Okay, khud kamana hai ye 10,000 pound. And we will see about, phir hum sochenge ke kya kare. Then only I will give you the hands of my daughter. He used to say, and Hughie looked very glum on those days. और देखो, Hughie के पास कुछ भी नहीं था, और 10,000 pounds is a very fat amount. तो क्या हुआ, Hughie वो सोचने लगा कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पॉकेट भी खाली है, और उसके साथ ये मेरा जो फादर इन लॉ है, वुड बी फादर इन लॉ है, वो बोल रहा है कि 10,000 pound मुझे अर्न करना पड़ेगा. And so as a result, he was glum, it means he was upset. And had to go to Laura for consolation. और वो क्या किया, उसने क्या किया, वो Laura के पास गया consolation के लिए. शायद Laura ऐसे कुछ बोले कि चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, पापा ऐसे है, पापा बाद में पापा मान जाएंगे, हम दोनों शादी कर लेंगे, खुश रहेंगे. लेकिन that man, I mean the colonel, the retired colonel, was very stern and strict. One morning, as he was on his way to Holland Park, where the Martins lived, he dropped in to see a great friend of his, Alan Trevor. Trevor was a painter, but he was also an artist, and artists are rather rare. तो एक दिन जब वो जा रहा था, वो एक जगह है वहां पे जहां पे मार्टिन्स लोग रहते हैं, तो वहां पे वो उसका एक दोस्त है, उसका नाम है एलन ट्रेवर. वो एक पेंटर है और उसके साथ साथ आर्टिस्ट भी है. देखो, पेंटर तो कोई भी हो सकता है. अगर हम भी एक ब्रश लेके यहाँ पे कुछ पेंट कर दे तो हम पेंटर बन जाएंगे, लेकिन आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो रेयर होते हैं, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव.
तो यहाँ पे इसीलिए ऑस्कर वाइल्ड ने बोला बट ही वाज आल्सो एन आर्टिस्ट, एलन ट्रेवर के बारे में बोल रहे हैं, बट ही वाज आल्सो एन आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट आर रेदर रेयर, और आर्टिस्ट लोग तो ज्यादा ऐसे होते नहीं है क्योंकि वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। पर्सनली ही वाज अ स्ट्रेंज रफ फेलो विद अ फ्रेटेड फेस एंड अ रेड रैगेड बियर्ड। एलन ट्रेवर जो पर्सनली था वो थोड़ा रफ था, लेकिन विद अ फ्रेकल्ड फेस, उसका फ्रेकल का मतलब है एक ब्राउन स्पॉट होना गालों के ऊपर ऐसे, इसको हम जाइया भी बोलते हैं, एंड अ रेड रैगेड बियर्ड और अनकॉम्ब्ड बियर्ड। हाउएवर व्हेन ही टुक अप द ब्रश ही वाज अ रियल मास्टर, लेकिन जब भी एलन ट्रेवर ब्रश लेता था ना तो ही वाज अ रियल मास्टर, वो बहुत खूबसूरत तस्वीरें वो बनाता था, एंड हिज पिक्चर्स वर ईगरली सॉट आफ्टर। और बहुत सारे लोग हैं जो लोग उन जो एलन ट्रेवर ने जो तस्वीर वो बनाते थे तो वो लोग वो तस्वीर को वो लोग खरीदते थे। He had been very much attracted by Huey at first, it must be acknowledged, entirely on account of his personal charm. जब एलन ट्रेवर ने हुई को देखा था तो पहले देखने के बाद ही हुई एलन को ऐसा लगा कि हुई इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग एंड आई शुड हैव अ फ्रेंड लाइक हिम। द ओनली पीपल अ पेंटर शुड नो ही यूज्ड टू से आर पीपल हु आर ब्यूटीफुल, पीपल हु आर एन आर्टिस्टिक प्लेजर टू लुक एट एंड एन इंटेलेक्चुअल रिपोज टू टॉक टू। और पेंटर लोग जो है ना, जो आर्टिस्ट लोग है, वो लोग ऐसे वो लोग जैसे होते हैं वैसे ही लोग को वो चूज करते हैं कि भाई गुड लुकिंग हो और हसमुख हो, उसके साथ साथ ही शुड हैव अ प्लेजेंट, अ वेरी प्लेजेंट अप्रोच एंड इंटेलेक्चुअल रिपोज, जिसे बात करने में थोड़ा मजा आए। मेन हु आर डैंडीज एंड वीमेन हु आर डार्लिंग्स रूल द वर्ल्ड, हैंडसम मेन एंड ब्यूटीफुल वीमेन दे रूल द वर्ल्ड, एटलीस्ट दे शुड डू सो। However, after he got to know Huey better, he liked him quite as much for his bright, buoyant spirits. बॉयन का मतलब है फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ चार्म, ठीक है। तो जैसे ही उन लोगों का मुलाकात जो है, ये इंट्रोडक्शन जो है वो थोड़ा और भी डीप हो गया, तो एलन हुगी ह्यू को बहुत पसंद किया और उसको बोला कि भाई फॉर हिज ब्राइट बॉयन स्पिरिट्स एंड हिज जेनरस रेकलेस नेचर, उसका नेचर जो था ह्यू का, इट वॉज जेनरस उदार रेकलेस, ओके वेरी फुल ऑफ लाइफ एंड ओके रेसलेस एंड हैड गिवन हिम द परमानेंट एंट्री टू हिज स्टूडियो। तो एलन ने ह्यू को बोला था कोई बात नहीं है, मैं तुझे बहुत पसंद करता हूं और मैं तुझे एक परमिशन भी दे रहा हूं कि मेरा ये जो स्टूडियो है तू इस स्टूडियो में जब भी मन चाहे तू आ सकता है। देखो आर्टिस्ट लोग ऐसा परमिशन नहीं देते, अगर वो जिसको परमिशन दे रहे हो बहुत क्लोज ना हो, बहुत रिलायबल ना हो, बहुत ट्रस्टवर्दी ना हो, वो लोग नहीं देते परमिशन। लेकिन एलन ने हीवी को ये परमिशन दिया था, एलन ने हीवी को बोला था कि हीवी जब मन चाहे तू ये जो मेरा जो स्टूडियो है, मेरा जो घर है, तू यहां आ सकता है। When Huey came in, he found Trevor putting the finishing touches to a wonderful life-size picture of a beggar man. तो जैसे ही हीवी ने आया स्टूडियो में, वो देखा कि ट्रेवर एक बहुत एक लाइफ साइज पेंटिंग वो कर रहा है एक बेगर का, एक भिखारी का। The beggar himself was standing on a raised platform in a corner of the studio. Beggar corner, studio के corner में वो खड़ा है एक ऊंचा platform में। He was a wizened old man with a face like wrinkled parchment. वो बहुत बुजुर्ग आदमी थे and his face was like wrinkled parchment. जैसे parchment का मतलब है चामड़े का जो कागज है ना, उसको हम बोलते हैं parchment. तो उसका जो face जो है, उसका वो looks ऐसा था कि लग रहा था कि इतना सूख गया, face like it was looking like wrinkled parchment. एंड द मोस्ट पीटियस एक्सप्रेशन, पीटियस का मतलब है दुख भरी। वो उसका लुक्स भी ऐसा था क्योंकि वो एलन ट्रेवर पेंटिंग कर रहे थे, वो ड्रॉ कर रहे थे वो पिक्चर, और बेगर जो है भिखारी जो है खड़े थे सामने। ओवर हिज शोल्डर्स वाज फ्लांग अ कोर्स ब्राउन क्लोक, और उस कोर्स का मतलब है रफ, उसके शोल्डर के ऊपर एक ब्राउन क्लोक था, चद्दर था। ऑल टीयर्स एंड टैटर्स, पूरा ये जो टैटर्स है, टीयर्स एंड टैटर्स है, ठीक है, टूटा फूटा। His thick boots were patched and cobbled. वो एक मोटा सा ऐसे बूट पहने हुए थे, वो भी patched and cobbled था, उसका हालत भी खराब था। And with one hand he leant on a rough stick. और एक हाथ देखे वो ऐसे एक rough stick के डंडा जो है स्टिक के ऊपर ऐसे वो लेंट किए हुए थे, ऐसे झुके हुए थे। While with the other he held out his battered hat for arms. और दूसरा जो हाथ उसका था उसमें एक battered hat वो ऐसे उसको पकड़े हुए थे, जैसे भिखारी लोग जैसे पकड़ते हैं, ठीक है। एक हाथ है स्टिक में और एक हाथ में वो टोपी है कि अगर भाई भीख देना है तो टोपी में दे दो। तो टोपी ऐसे वो पकड़ के खड़ा था और उसके और एक हाथ में ऐसे वो स्टिक था और ऐसे वो थोड़ा झुके हुए थे। ये पोस्चर था उसका, जिस पोस्चर को ट्रेवर ने वो कैनवस में लाइफ साइज बहुत बड़ा सा एक पूरा जो पिक्चर है उस बेगर का वो उसको बना रहा था वो तस्वीर। व्हाट एन अमेजिंग मॉडल, व्हिस्पर्ड ह्यूई
एज ही शुक हैंड्स विद हिज फ्रेंड, तो हैंडशेक करते वक्त वो थोड़ा बोला, भाई कितने अमेजिंग मॉडल है, इट इज ब्यूटिफुल, एन अमेजिंग मॉडल, शाउटेड ट्रेवर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. तो ट्रेवर ने ये सुन के ट्रेवर ने चिल्लाया, आई शुड थिंक सो, सच बेगर्स एज ही आर नॉट टू बी मेट विथ एवरी डे. तो फिर ट्रेवर ने बोला, हाँ मुझे भी ऐसे लगता है, क्योंकि भाई ऐसा भिखारी ना, ऐसे जो बेगर, ऐसे भिखारी जो है, ये हर दिन, रोज दिन ये नहीं मिलता. A living Velasquez, Meisters, and etching Rembrandt would have made of him. देखो, Velasquez जो है, ये एक Spanish painter है, और Rembrandt भी एक Dutch painter है. ये दोनों बहुत famous painter थे. तो यहाँ पे Trevor ये बोल रहे हैं कि अगर वो लोग जिंदा होते अभी, तो पता नहीं इनको देख के, इस भिखारी को देख के, वो लोग कैसा पेंटिंग बनाता था. Poor old chap, said Hughie, how miserable he looks. तो ह्यू को बहुत दुख, उसको दुख लगा, उसको बोला भाई देखो, देख के तो how miserable he looks, कितना खराब लग रहा है. But I suppose to you painters his face is his fortune. लेकिन मुझे लगता है कि भाई जैसे तू इसको तस्वीर को बनाएगा, that is his face is his fortune, क्योंकि शायद उसको भी कुछ पैसा मिलेगा. Certainly, replied Trevor, you don't want a beggar to look happy, do you? तो ट्रेवर ने बोला, भाई भाई मैं एक तस्वीर बना रहा हूं, तो भिखारी जो है वो तो अगर हसमुख होगा, अगर वो हंसेगा, तो पिक्चर जो है ये तो इसका जो लाइफ है इसमें, इसका जो एसेंस है वो नहीं रहेगा. तो भिखारी जो लोग जो है तो दुखी ही होगा, इसलिए हम ऐसे वो ऐसे मुंह बना के खड़ा है वहां पे, और मैं उसका तस्वीर बना रहा हूं. हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सीटिंग, आस्क्ड ह्यूई एज ही फाउंड हिमसेल्फ अ कंफर्टेबल सीट ऑन अ दीवान. तो एक दीवान के ऊपर हुई ने हुई बैठा और बोला कि भाई एक तस्वीर के लिए, ऐसे तू जो बना रहा है ना, इसके लिए मॉडल को कितना मिलता है? अ शिलिंग एन आवर, एक घंटे के एक शिलिंग. एंड हाउ मच डू यू, देखो ये शिलिंग जो है ये इंग्लिश करेंसी है, बहुत ही नॉमिनल है ये. एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर एलन, तो फिर ह्यूई ने एलन को पूछा, तुझे कितना मिलता है ये पिक्चर बेचने के बाद? ओ फॉर दिस आई गेट 2000, भाई मुझे तो 2000 मिलेगा पाउंड्स. तो ह्यूई ने पूछा कि 2000 पाउंड्स? गिनीज, पेंटर्स पोएट्स एंड फिजिशियंस ऑलवेज गेट गिनीज, नहीं गिनी में मिलेगा. और ये गिनी जो है ना, ये अ लिटिल, इट इज इन अमाउंट, इट इज लिटिल मोर देन अ पाउंड, पाउंड से थोड़ा सा ज्यादा है. तो ट्रेवर ने बोला कि नहीं, हमें 2000 गिनीज मिलेगा. और पेंटर्स लोग जो है, पोएट्स लोग जो है, फिजिशियंस जो है, ये बहुत रेस्पेक्टिव, वी ऑल नो दैट दे आर ऑल रेस्पेक्टेड समथिंग, अ काइंड ऑफ प्रोफेशंस, तो उन लोगों को गिनीज मिलता है. वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज, क्राइड ह्यूई लाफिंग, दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू. तो ह्यूई ने बोला कि भाई ये जो परसेंटेज तुझे, तो तू तो इसको सीलिंग देता है एक घंटे में, लेकिन एक घंटे के लिए तो इसको एक सीलिंग देता है, लेकिन ये जो प्रॉमिस, ये कमीशन जो है, ये जो प्रॉफिट जो है, जो इसको तू इसको बेच रहा है 2000 गिनीज में, तो तुझे ये नहीं लगता कि उसमें से कुछ कमीशन जो है ये इसको भी देना चाहिए? ही डिजर्व्स इट, क्योंकि वो भी तो देखो, ये आदमी सारा दिन घंटा पर घंटा वो ऐसे यहां पर खड़ा रहता है. नॉनसेंस, नॉनसेंस, बुद्धू, why look at the trouble of laying on the paint alone and standing all day long at one easel? ये नहीं देखता, इधर देख, मैं भी तो ऐसे ही स्ट्रगल करता हूं ना पूरा दिन. मैं वो easel, ये wooden platform है जिसके ऊपर हम थोड़ा जो जहां पे हम पेंटिंग करते हैं, तो ये मैं भी तो इसको लेके पूरा दिन मैं ऐसा करता हूं, मैं भी ड्रॉइंग करता हूं. इट इज ऑल वेरी वेल हिवी फॉर यू टू टॉक, तो ठीक है तूने बोला, ठीक है कोई बात नहीं है, बट आई अश्योर यू दैट देयर आर मोमेंट्स व्हेन आर्ट ऑलमोस्ट अटेन्स टू बी डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर. लेकिन ये डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर का मतलब है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ट्रिमेंडस क्रिएटिविटी. भाई आर्टिस्ट होने के लिए क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है. आर्टिस्ट लोग जो है वो लोग बहुत इमेजिनेटिव है. ऐसे हम, जैसे मैंने बोला कि पेंट तो सब कर सकते हैं, एक ब्रश ले लो पेंटिंग कर दो, लेकिन अगर एक तस्वीर बनाना है, एक आर्टिस्ट बनना है, तो इसके लिए क्रिएटिव होना, इमेजिनेटिव होना बहुत जरूरी है. शायद इसी बात को ट्रेवर यहां पे थोड़ा फोर्स कर रहे थे, थोड़ा वो बोल रहे थे कि भाई मैं जो करता हूं ये तो ठीक है, ये गरीब आदमी है वो वहां पे खड़ा रहता है, मैं इसका तस्वीर बनाता हूं, लेकिन तस्वीर बनाने के लिए जो तजुर्बा होना चाहिए वो तो मुझ में है ना, मैं करता हूं, मैं ड्रॉइंग करता हूं. आफ्टर सम टाइम, ओके बट यू मस्ट नॉट चैटर, आई एम वेरी बिजी, स्मोक अ सिगरेट एंड कीप क्वाइट. तू ठीक है, तू बक मत, एक काम कर, मैं बहुत बिजी हूं, एक सिगरेट पी ले और
चुपचाप वहां पे बैठ दीवान पर. After some time, the servant came in and told Trevor that the frame maker wanted to speak to him. तो एक नौकर जो है उसने आया और बोला ट्रेवर को कि सर फ्रेम मेकर आया आपसे बात करना चाहता है. Don't run away, Hui, he said as he went out. I will be back in a moment. तो ट्रेवर ने हुई को बोला तू यहाँ पे बैठ, मैं एक मोमेंट में आई यहाँ पे आ रहा हूं और यहाँ पे बैठे रहना. Don't run away, भागना मत. The old beggar man took advantage of Trevor's absence to rest for a moment on a wooden bench that was behind him. तो वो जो बुजुर्ग आदमी वहां पे था, जो मॉडल था, उसको भी थोड़ा चांस मिल गया, थोड़ा समय मिल गया, तो वो भी एक वुडन बेंच पर थोड़ा बैठा. He looked so forlorn and wretched that he could not help pitying him. तो उसको इसका वो इतना उदास दिख रहे थे, इतना रिच दिख रहे थे, Hui को बहुत खराब लगा उसको देख के. एंड फेल्ट इन हिज पॉकेट्स टू सी व्हाट मनी ही हैड. और Hui ने क्या किया, थोड़ा अपने पॉकेट में उसने हाथ डाला और देखा कि उसके पास कितना पैसा है. All he could find was a sovereign and some coppers. और क्या मिला उसको, एक sovereign मिला, some coppers मिला, ये पैसा है. Poor old fellow, he thought to himself. और Hui सोच रहा था कि भाई मैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा फादर इन लॉ ने बोला है कि 10,000 pounds लेके आओ फिर शादी करो, और मैं ये क्या कर रहा हूं, मेरे पास मेरे पॉकेट में एक सोवरेन है, कुछ कॉपर्स है. He wants it more than I do, but देखो Hui was really a wonderful person. He was a diamond from inside. तो उसने क्या किया, उसको ऐसा लगा कि यह पैसा जो है तो है मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, लेकिन ये जो बुजुर्ग आदमी यहाँ पे है, जो बुरा मॉडल जो यहाँ पे है, वो बहुत गरीब है, तो चलो ये पैसा, ये सोवरेन इसको दे देते हैं. But it means no hansoms for a fortnight. और Hui को पता था अगर कि ये पैसा वो दे देगा तो शायद दो हफ्ते के लिए उसके पास जो हैंडसम जो है, इट्स आई मीन हॉर्स ड्रॉन कैरेज, तो शायद उसको नहीं मिलेगा, उसको पैदल चलना पड़ेगा. एंड ही वॉक्ड अक्रॉस द स्टूडियो एंड स्लिप द सोवरेन इन द बेगर्स हैंड. लेकिन वो इतना सोचा नहीं, वो क्या किया, वो ऐसे थोड़ा आगे जाके वो जहां पे वो बेगर था उसके पॉकेट हाथ में उसने वो पैसा जो है, जो सोवरेन था वो दे दिया. द ओल्ड मैन स्टार्टल्ड, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये स्टार्ट स्टार्टेड नहीं होगा, यहाँ पे एक एल होगा. स्टार्टल का मतलब है थोड़ा चौंक जाना. द ओल्ड मैन स्टार्टल्ड बिकॉज ही डिड नॉट एक्सपेक्ट इट. उस आदमी को ये पता नहीं था कि शायद Hui जैसा कोई आएगा जो पहचानता भी नहीं है उसको, उसको पैसा देगा, तो थोड़ा स्टार्टल हो गया, थोड़ा चौंक गया. एंड अ फेंट स्माइल फ्लिटेड अक्रॉस हिज विदर्ड लिप्स, और उसका सूखा हुआ जो होंठ था उसमें थोड़ा स्माइल दिखा. थैंक यू सर, ही सेड थैंक यू, और उसने बोला थैंक यू सर. देन ट्रेवर अराइव, तो उसके बाद फ्रेम मेकर तो चला गया शायद जो ट्रेवर के लिए आया था, ट्रेवर फिर से वापस आया स्टूडियो में. एंड Hui took his leave, और Hui वहां पे चला गया, वहां से चला गया blushing a little at what he had done. और वो थोड़ा सोचा था भाई मैंने क्या किया, उसको मैं पहचानता भी नहीं, लेकिन मेरे पास जो था वो उसको दे दिया, तो शायद वो थोड़ा ब्लश कर रहा था, थोड़ा शर्मा रहा था. He spent the day with Laura, got a charming scolding for his extravagance. And had to walk home. तो बाकी का जो समय है उस दिन का, शायद he spent some time with Laura and he received a scolding, charming scolding. देखो ये जो डांट जो है ना, ये भी charming है. Okay, a nice, a wonderful scolding for his extravagance. Extravagance मतलब फिजूल की जो हम खर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं extravagance. तो शायद Laura ने उसको बोली थी कि भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पापा ने मांगे हैं 10,000 pounds और तुम इस ऐसे तुम फिजूल की खर्च तुम कर रहे हो. That night he strolled into the Palace Club about 11 o'clock. वो उस रात वो शायद करीब 11 बजे वो Palace Club में गया and found Trevor sitting by himself. और देखा Trevor बैठा हुआ है in the smoking room में drinking hock and seltzer. वो hock and seltzer पी रहा था Trevor ने. hock का मतलब है wine और seltzer जो है carbonated water है, दोनों मिला के वो लोग पीते हैं. Well, Alan, did you get the picture finished all right? He said as he lit his cigarette. तो Hui ने पूछा Alan को, Alan वो जो सिगरेट जला रहा था और पूछा कि वो पिक्चर खत्म हो गया. फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड माय बॉय, अरे भाई फिनिश हो गया, फ्रेम भी कर दिया मैंने. एंड बाय द बाय यू हैव मेड अ कॉन्क्वेस्ट, लेकिन तूने तो एक बड़ा सा काम कर दिया यार. मेरा कॉन्क्वेस्ट मैंने, तूने यहां पे कॉन्क्वेस्ट का मतलब है जीत हासिल करना. यहां पे Hui ने किसी का दिल जीता था और ये तो पता ही है किसका है. That old model, यहाँ पे Laura नहीं है और एक है ये, that old model you saw is quite devoted to you. और जो सुबह में तो दिखा ना वो स्टूडियो में ओल्ड मॉडल, अरे वो तो तेरा फैन बन गया यार.
आई हैड टू टेल हिम ऑल अबाउट यू, मैंने सब मुझे सब कुछ बोलना पड़ा तेरे बारे में, हु यू आर, तू कौन है, वेर यू लिव, वॉट योर इनकम इज, वॉट प्रोस्पेक्ट यू हैव, प्रोस्पेक्ट मतलब तू क्या कर सकता है, फ्यूचर क्या है, सब कुछ मुझे बोलना पड़ा। तो यू ही थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, वो थोड़ा, क्योंकि है ना वो भाई ना जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान ऐसा बन हो गया ना, तो वो आदमी को पहचानता नहीं था, उसने थोड़ा पैसा दिया उसको, लेकिन जब ट्रेवर बोल रहा था कि सब कुछ उसका जो बायोडेटा जो है सब कुछ बोल दिया उसको, हेयर अबाउट बोल दिया, तो हुई थोड़ा थोड़ा वो डिस्टर्ब हुआ। माई डियर अलान, क्राइड हिवी, आई शैल प्रोबेबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी व्हेन आई गो होम, शायद जब मैं घर जाऊंगा शायद वो वहां पे होंगे वो बुजुर्ग आदमी, बट ऑफ कोर्स यू आर ओनली जोकिंग, मुझे तो लगता है कि तू जोक कर रहा है, तूने ऐसा कुछ नहीं बोला। पुअर ओल्ड रेच, आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम, फिर भी देखो ह्यूई ने पैसा दिया था, फिर भी ह्यूई का ये सोच है, ह्यूई सोच रहा है कि अगर मेरे पास और भी कुछ होता तो शायद मैं उसको फिर से दोबारा उसको मैं हेल्प करता। आई थिंक इट इज ड्रेडफुल दैट एनी वन शुड बी सो मिजरेबल, ये सोच के भी बहुत खराब लगता है कि कोई आदमी इतना मिजरेबल, तो उसका हालत जो है इतना खराब हो सकता है। I have got heaps of old clothes at home. Do you think he would care for any of them? Why his rags were falling to bits? क्योंकि वो जो ड्रेस जो पहना हुआ था, it was falling to bits, टूटा फूटा था। मेरे पास घर में बहुत सारे कपड़े हैं, अगर मैं उनको दूंगा तो शायद तू क्या सोचता है, क्या मैं दे सकता हूं? But it looks splendid in them, said Trevor. लेकिन ट्रेवर ने बोला ठीक है, ये ड्रेस जो था उसका बहुत खराब, उसका हालत बहुत खराब था, लेकिन वो टूटा फूटा था, लेकिन उसमें भी वो बहुत सुंदर दिख रहे थे। I would not paint him in a frock coat for anything. देख अगर वो फ्रॉक कोट पहनता था कुछ क्या, तो क्या मैं उसका तस्वीर बनाता था? नहीं, मुझे तो वही पिक्चर चाहिए था। What you call rags, I call romance. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जहां पे ट्रेवर ह्यूई को बोल रहा है कि भाई तेरे लिए वो रैग्स है, तेरे लिए वो खराब कपड़े हैं, लेकिन मेरे लिए वो रोमांस है, बिकॉज व्हेन आई यू नो आई जस्ट ड्रॉ देम, इट गिव्स मी मनी एंड द सेम टाइम इट मेक्स मी मोर इमेजिनेटिव। व्हाट सीम्स पॉवर्टी टू यू इज पिक्चरिस्नेस टू मी, जो तेरे लिए गरीबी है वो मेरे लिए एक पिक्चरिस्नेस है, आई मीन बहुत ही सुंदर एक तस्वीर। हाउएवर आई विल टेल हिम ऑफ योर ऑफर, फिर भी मैं शायद उसको अगर फिर से मिलेंगे तो हम बोलेंगे उसको कि तू क्या करना चाहता है उसके लिए। एलन सेड ह्यूई सीरियसली, यू पेंटर्स आर हार्टलेस, फिर ह्यूई ने बोला एलन को, ये आर्टिस्ट लोग जो है ना, पेंटर्स लोग जो है, तुम लोग बहुत हार्टलेस होते हो, तुम्हारे पास हार्ट नहीं होते हैं, निर्दय। एन आर्टिस्ट हार्ट इज हिज हेड, रिप्लाइड ट्रेवर, ट्रेवर ने बोला नहीं, हमारा जो हार्ट है ना ये हमारा हेड है, एंड बिसाइड्स आवर बिजनेस इज टू रियलाइज द वर्ल्ड एज वी सी इट, नॉट टू रिफॉर्म इट एज वी नो इट, देखो और हमारा बिजनेस ये नहीं है कि वर्ल्ड को बदलो, उसको उसका जो रिफॉर्मेशन है वो करो, हम क्या करते हैं जैसे वर्ल्ड है वो हमको हम उसे ऐसे ही दिखाते हैं, उसको बदलना ये हमारा काम नहीं है। एंड नाउ टेल मी हाउ लॉरा इज, और लॉरा कैसी है, द ओल्ड मॉडल वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन हर, और वो जो ओल्ड मॉडल जो था मॉर्निंग में वो लॉरा के बारे में पूछ रहे थे। यू डोंट मीन टू से यू टॉक टू हिम अबाउट हार्ट, से ने बोला तो तूने क्या शायद उनको ये लॉरा के बारे में बोल दिया, जरूर नहीं बोला। Certainly I did. अरे भाई हम बोल दिए। He knows all about the relentless Colonel. और सब पता है उन उस मॉडल को। Relentless का मतलब है दयाहीन। और Colonel जो है ये देखो, Colonel तो ऐसे हो, she was the father of Laura Martin. So on his part he was quite right. He needed someone as his son-in-law who would have some money. बट ह्यूई के पास पैसा नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि भाई 10,000 pounds लेके आओ, फिर लॉरा को लेके जाओ, शादी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू टोल्ड दैट ओल्ड बिगर ऑल माई प्राइवेट अफेयर्स, क्राइड ह्यूई, ह्यूई बहुत गुस्सा हो गया और उसने बोला कि भाई ये मेरा प्राइवेट अफेयर्स है, उसके बारे में तूने बोल दिया। लुकिंग वेरी रेड एंड एंग्री, और गुस्से में वो थोड़ा लाल हो गए थे। माई डियर बॉय, सेड ट्रेवर स्माइलिंग, देखो यहां पर एक ट्विस्ट है जो ऑस्कर वाइल्ड ने बहुत ही खासियत से उन्होंने इसको बनाया, यहां पे लिखा, माय डियर बॉय सेड ट्रेवर स्माइलिंग, दैट ओल्ड बेगर एज यू कॉल हिम इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप, अरे तू जिसको गरीब भिखारी बोल रहे हैं ना, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप, वो बुजुर्ग आदमी यूरोप में सबसे धनवान आदमियों में एक है। ही कुड बाय ऑल लंडन टुमारो विदाउट ओवरड्रॉइंग हिज अकाउंट, बैंक से बिना मांगे
पैसा एक्स्ट्रा, वो ये जो लंदन जो सिटी है उसको, पूरा लंदन शहर को वो खरीद सकता है. ही हैज अ हाउस इन एवरी कैपिटल, हर एक राजधानी में उसका एक घर है. डाइंस ऑफ गोल्ड प्लेट, और सोने के प्लेट में खाते हैं. एंड कैन प्रिवेंट रशिया गोइंग टू वॉर व्हेन ही चूजेस, अगर वो चाहे तो शायद रशिया को बोल सकते हैं कि रशिया बैटल में, युद्ध में वो ना जाए. तो वन थिंग इज क्वाइट क्लियर कि ये आदमी जो है वो बहुत ही इंफ्लुएंशियल एक पर्सनालिटी है. व्हाट ऑन अर्थ डू यू मीन, एक्सक्लेम ह्यूई. तो ह्यूई थोड़ा, वो थोड़ा चौंक गया और उसने बोला, क्या बोल रहा है तू? व्हाट आई से, सेड ट्रेवर, अरे जो मैं बोल रहा हूं वही मैं, वही तो मैं बोलना चाहता हूं. द ओल्ड मैन यू सॉ टुडे इन स्टूडियो वाज बैरन हॉसबर्ग, जिस बुजुर्ग आदमी को तूने देखा स्टूडियो में वो बैरन हॉसबर्ग है. उसका नाम बैरन हॉसबर्ग है. इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा एक दोस्त है, बहुत ही खास दोस्त है. बाइज ऑल माई पिक्चर्स एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, मैं जो बनाता हूं वो खरीदते हैं. एंड गिव मी अ कमीशन अ मंथ एगो टू पेंट हिम एज अ बेगर, और उन्होंने एक महीना पहले मुझे कमीशन दिया था और बोला था कि ट्रेवर मुझे वो भिखारी बनना है और तुम उसका तस्वीर बनाओगे. एंड आई मस्ट से ही मेड अ मैग्निफिशेंट फिगर इन हिज रैग्स, और मैं तो ये बोलूंगा भाई कि वो जैसे वो दिख रहे थे उस रैग्स में, उस खराब कपड़े में, ही वॉज लुकिंग मैग्निफिशेंट, बहुत ही सुंदर ओरिजिनल रियल दिख रहे थे. आई शुड से इन माई रैग्स, लेकिन वो जो रैग्स है, वो जो ड्रेस है वो मेरा है. दे आर एन ओल्ड सूट आई गॉट इन स्पेन, वो एक पुराना सूट है जो मैंने स्पेन में मुझे मिला था. आई मीन ही बॉट इट इन स्पेन. बैरन हॉसबर्ग, क्राइड ह्यूई. तो ह्यू ने चिल्लाया कि भाई ये बैरन हॉसबर्ग, गुड हेवेंस, हे भगवान, आई गेव हिम अ सोबरेन, और मैंने उसको एक सोबरेन दिया. एक ऐसा आदमी जो इतना रिच है, जो अगर चाहे तो बैंक से बिना मांगे वो लंदन शहर वो खरीद सकता है, मैंने उसको एक सोबरेन दिया. एंड ही सैंक इन टू एन आर्म चेयर, द पिक्चर ऑफ डिसमे. वो बहुत ही वो अपसेट होके एक चेयर में वो फिर से बैठ गया कि भाई ये क्या हो गया, मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि मैंने बैरन हॉसबर्ग को एक सोबरेन दिया. गिव हिम अ सोबरेन, शाउटेड ट्रेवर, एंड ही बस्ट इन टू अ रोर ऑफ लाफ्टर. फिर वो सुन के ट्रेवर ने, बहुत जोर जोर से ट्रेवर हंसने लगा. माई डियर बॉय, यू विल नेवर सी इट अगेन, ये सोबरेन तो तुझे फिर से नहीं मिलेगा. आई थिंक यू माइट हैव टोल्ड मी, एलान सेड ह्यू इज आल्खेरी, एंड नॉट हैव लेट मी मेक सच अ फूल ऑफ माई सेल्फ. अरे एलान, बोलना चाहिए था भाई, अगर तू पहले बोल देता ना तो मैं शायद, मैं अभी जो फील कर रहा हूं, इतना बुद्धू फील कर रहा हूं, वह मैं शायद ऐसा नहीं करता. और मैं ऐसा जो एक बकवास काम जो है, मैंने एक मिलानियर को मैंने एक सोबरेन दिया, वो भी शायद मैं नहीं करता, बोल देना चाहिए था. वेल टू बिगिन विथ ह्यूई, सेड ट्रेवर, इट नेवर एंटर्ड माई माइंड दैट यू वेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स इन दैट रेकलेस वे. देख, ट्रेवर ने बोला ह्यूई को, देख भाई मुझे ये पता नहीं था कि तू ऐसे जो देखता है गरीब आदमी को, तू ऐसे पैसा देता है इन लोगों को. आई कैन अंडरस्टैंड यूर किसिंग अ प्रीटी मॉडल, ठीक है, अगर एक प्रीटी मॉडल है, ब्यूटीफुल मॉडल है, तूने उसको किस किया, ठीक है भाई, ये नॉर्मल है. बट यू आर गिविंग अ सोवरेन टू एन अगली वन, लेकिन एक ऐसे दिखने वाले एक आदमी को तूने एक सोवरेन दे दिया. By Jove, no, besides the fact is that I really was not at home today to anyone, and when you came in, I did not know whether Hosbar would like his name mentioned. देख, और मैंने आज, तूने जैसे मेरे स्टूडियो में आया सुबह में, तो मुझे लगा कि भाई अगर हम बोल देंगे कि ये जो बैरन हॉसबर्ग जो है ये बहुत रिच आदमी है, और उसका जो जो आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी है, वो क्या है, तो शायद बैरन हॉसबर्ग थोड़ा वो नाखुश हो जाते, थोड़ा वो डिस्टर्ब हो जाते, इसलिए मैंने नहीं बोला. यू नो ही वॉज नॉट इन फुल ड्रेस, क्योंकि वो जो बहुत रिच आदमी है, तो वो लोग, उसका जो ड्रेस कोड है वो बहुत अलग सा है, तो शायद हम ऐसे बोल देते कि वो असली में वो कौन है, शायद वो नाखुश होते, तो इसलिए मैंने नहीं बोला, क्योंकि उसका जो ओरिजिनल जो ड्रेस है वो उस ड्रेस में नहीं थे. व्हाट अ डाफर ही मस्ट थिंक मी, सेड ह्यूई. तो ही बोला, देखो वो आदमी अभी मुझे क्या सोच रहा है, हाँ, मुझे मुझे वो एक बेवकूफ बुद्धू सोच रहा है कि मैंने उसको सोबरेन दे दिया. नॉट एट ऑल, ही वॉज इन द हाइएस्ट स्पिरिट्स आफ्टर यू लेफ्ट. नहीं भाई, जब तू चला गया ना स्टूडियो से, तो ही वॉज इन हिज हाइएस्ट स्पिरिट्स, वो बहुत खुश थे. केप्ट चकलिंग टू हिमसेल्फ एंड रबिंग हिज ओल्ड रिंकल हैंड्स टुगेदर. आई कुड नॉट मेक आउट व्हाई ही वॉज सो इंटरेस्टेड टू नो ऑल अबाउट यू. और मैं
ये सोच रहा था कि व्हाई वाज सो ही सो इंटरेस्टेड, उसको इतनी दिलचस्पी क्यों है तुझ में, वो क्यों पूछ रहे थे तेरे बारे में, और उसका हाथ वो ऐसा ऐसा कर रहा था और रब कर रहा था अपना हाथ। बट आई सी इट ऑल नाउ, लेकिन अभी सब कुछ क्लियर हो गया। ही विल इन्वेस्ट योर सोवरेन फॉर यू ह्यूई, पे यू द इंटरेस्ट एवरी सिक्स मंथ्स। अरे तेरा तेरे जो सोवरेन लिया है ना उन्होंने, तो शायद वो सोवरेन को उसने बिजनेस में वो इन्वेस्ट करेंगे और उससे जो कमीशन आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, शायद ही विल गिव इट टू यू एंड हैव अ कैपिटल स्टोरी टू टेल आफ्टर डिनर, और शायद सबको वो डिनर के बाद ये स्टोरी बोलेंगे। आई एम एन अनलकी डेविल, ग्राउल्ड ह्यूई। तो ह्यूई ग्राउल का मतलब है थोड़ा ऐसे आवाज करना, और उसने बोला कि मैं एक अनलकी डेविल हूं, मैं एक राक्षस। एक्चुअली ही वॉज नॉट अ डेविल, ही वॉज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बींग, बट स्टिल वो सोच रहा था खुद अपने आप को कि वो राक्षस है, कि उसने ऐसा काम किया। द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज टू गो टू बेड एंड माई डियर एलन, यू मस्ट नॉट टेल एनी वन, आई शुड नॉट डेयर शो माई फेस इन द रो। और उसने बोला कि देख भाई, किसी को इसके बारे में मत बोलना, ठीक है, जो जो हुआ है हुआ है, वो तेरे मेरे बीच में ही रहेगा भाई, किसी को मत बोलना, मुझे अभी घर जाके सोना है। नॉनसेंस, इट रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट क्रेडिट ऑन योर फिलैंथ्रोपिक स्पिरिट ह्यूई। लेकिन ट्रेवर ने बोला, अरे भाई नहीं, तू एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, एक दयालु आदमी है, तू दूसरों के लिए सोचता है, उनके लिए करता है कुछ, तो ये हो गया ना, ये बहुत ही आई मीन वेरी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट ऑफ योर कैरेक्टर ह्यूई, तू ऐसा क्यों सोच रहा है। कितने सारे लोग हैं, वो लोग अगर देखे कि वो और लोग प्रॉब्लम में है, ट्रबल में है, वो लोग हेल्प नहीं करते, लेकिन तूने किया, तूने पास कुछ नहीं था, एक सोवरेन था, कुछ कॉपर्स थे, लेकिन तूने वो सोवरेन उस आदमी को दे दिया। सो यू आर अ फिलैंथ्रोपिस्ट, और जो लोग इसका ऑपोजिट है उसका बोलता है मिसैंथ्रोपिस्ट। ह्यूई ओके, एंड डोंट रन अवे, सुन अभी भाग मत, हैव अनदर सिगरेट एंड यू कैन टॉक अबाउट लॉरा एज मच एज यू लाइक। एक काम कर, और एक सिगरेट मैं तुझे दे रहा हूं, तू सिगरेट पी, और लॉरा के बारे में अगर कुछ बोलना है तो जितना तेरे दिल में है तू बोल दे, आज मैं सुनूंगा। हाउएवर ही वुडंट स्टॉप बट वॉक्ड होम फीलिंग वेरी अनहैप्पी एंड लिविंग एलन ट्रेवर इन फिट्स ऑफ लाफ्टर। लेकिन ह्यूई नहीं बैठा, वो उस पैलेट क्लब को छोड़ दिया, और एलन क्या कर रहा था, वो ऐसे ह्यूई को ऐसे बिहेवियर में, ऐसे एटीट्यूड में थोड़ा वो बहुत हंस रहा था, क्योंकि एलन ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द इंसिडेंट्स। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही वॉज एट ब्रेकफास्ट, ही का मतलब यहां पे ह्यूई। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही वॉज एट ब्रेकफास्ट, जब वो ब्रेकफास्ट नाश्ता कर रहा था, द सर्वेंट ब्रॉट हिम अप अ कार्ड ऑन व्हिच वॉज रिटन मोंसिए गुस्ताव नॉदिन ऑन बिहाफ ऑफ मैम एल बैरन हॉसबर्ग। तो वो एक नौकर ने आया और एक उसको एक एनवेलप दिया और एक कार्ड दिया, उसके ऊपर लिखा हुआ था मोंसिए गुस्ताव नॉदिन, ये एक आदमी जेंटलमैन, ही केम टू मीट ह्यूई ऑन बिहाफ ऑफ एम एल बैरन हॉसबर्ग, वो जो बैरन हॉसबर्ग के तरफ से आए थे। I suppose he has come for an apology, said Huey to himself, and he told the servant to show the visitor up. तो उनको लगा कि शायद वो आदमी इसीलिए आया कि Huey उसको sorry बोले, ऐसा काम कर दिया उन्होंने। लेकिन फिर भी Huey ने नौकर को बोला कि ठीक है, उसको अंदर लेके आओ। An old gentleman with gold spectacles and grey hair came into the room. एक बुजुर्ग आदमी घर में आया with gold spectacles and grey hair. And said in a slight French accent, और एक French accent में बोला, Have I the honor of addressing Monsieur Erskine? क्या मैं Monsieur Erskine से बात कर रहा हूं? Huey bowed. तो Huey ने क्या किया? Huey ने ऐसा किया कि हाँ, मैं ही Monsieur Erskine हूं. I have come from Baron Hosberg, he continued, the Baron. तो उसने बोला कि सर, मैं Baron Hosberg के पास से आ रहा हूं. बैरन, तो उसने दोहराया, क्योंकि देखो बैरन ये जो वर्ड है ना, मतलब ही इज अ नोबल मैन, अ डिग्निफाइड पर्सन, तो उसने इसीलिए बैरन को फिर से दोहराया। आई बेग सर दैट यू विल ऑफर हिम माय सिंसियर अपोलॉजीज, स्टैमर्ड ह्यूई। तो ह्यूई ने क्या किया, ह्यूई सुन के, बैरन हॉसबर्ग सुन के ना, वो थोड़ा हकला रहा था, तो उसने बोला कि सर आप जाके ना उससे थोड़ा मेरे लिए मेरे तरफ से थोड़ा सॉरी बोल देना सर। द बैरन सेड द ओल्ड जेंटलमैन विद अ स्माइल, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी थोड़ा स्माइल करते उसने बोला,
has commissioned me to bring you this letter. उन्होंने हमने हमको बोला है कि आपको ये खत देने के लिए. And he extended a sealed envelope. फिर उसने एक sealed envelope Hugh को दिया. On the outside was written, और बाहर में लिखा हुआ था, a wedding present to Hugh Erskine and Laura Martin from an old beggar. एक गरीब भिखारी की ओर से लॉरा मार्टिन एंड ह्यू एरस्किन के लिए एक वेडिंग प्रेजेंट. एंड इनसाइड वाज अ चेक फॉर 10,000 pounds. और उस एनवेलप में 10,000 pounds का एक चेक था. ओके, एंड इट्स अ ह्यूज अमाउंट. एंड 10,000, ओके, आई एम नॉट गोइंग अबाउट द यू नो द अमाउंट हाउ मच इट विल बी फॉर ह्यू एरस्किन, बट द फैक्ट वॉज दैट 10,000 pounds विल हेल्प हिम टू मैरी Laura, his beloved. When they were married, Alan Trevor was the best man and the Baron made a speech at the wedding breakfast. So, jab shaadi ke din kya hua? Alan Trevor was the best man. He was the center of attraction because he was a very good friend of Hugh Erskine. Aur Baron, jo Baron Hosberg ne kya kya? He made a speech at the wedding breakfast. Aur wedding breakfast mein Baron ne ek speech bhi unhone deliver kiya. Millionaire models, remarked Alan. तो Alan last में ये बोला था कि millionaire models, remarked Alan, are rare enough. ठीक है, जो models लोग जो है उनमें से कई लोग जो है वो millionaire नहीं होते. बहुत कम लोग millionaire होते हैं. जो model लोग जो है उसमें से बहुत कम लोग millionaire होते हैं. ठीक है, फिर भी वो चलता है, हम देखे हैं. But by Jove, model millionaires are rare still. लेकिन ऐसे मिलोनियर जिसको हम मॉडल बना सकते हैं, आदर्श बना सकते हैं, ऐसे हमने कभी नहीं देखा. बहुत कम है. क्योंकि मॉडल, जैसे देखो ये लाइन जो है ना, मॉडल मिलोनियर, मिलोनियर मॉडल्स इज ओके फाइन. मॉडल्स लोग, मिलोनियर लोग मॉडल होते हैं कभी कभी, कोई बात नहीं है. लेकिन ये जो है ना मॉडल मिलोनियर, इसका मतलब है कि एक मिलोनियर जिसको हम फॉलो कर सकते हैं. अगर हम भी मिलोनियर हो, अगर मेरे पास, हमारे पास भी बहुत सारे पैसा हो, तो शायद हम भी ऐसे काम कर सकते हैं उन लोगों के लिए, द पीपल हु नीड आवर हेल्प. ओके, तो लास्ट में जो मॉडल मिलियनियर, इसका मतलब है आदर्श एक मिलियनियर जिसको हम फॉलो कर सकते हैं. सो दिस इज आवर चैप्टर, द मॉडल मिलियनियर बाय ऑस्कर वाइल्ड. सो इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड एनकरेज मी टू अपलोड मोर वीडियोज लाइक दिस.